ज्यादा अफसोस है कि मैं वो कहते हैं ना कि हाथ में जस नहीं है, तो मैंने हर किसी की मदद की है बहुत अच्छे इंटेंशन से, लेकिन लोगों ने उसको प्यार का भी रूप दे दिया है, चक्कर का भी रूप दे दिया है समटाइम्स, या कभी सीढ़ी बना के ये जोर का लात भी मारा है कि पता ही नहीं चला है। एक अलग क्या बोलूं, क्या मतलब आपका कह कहना है कि सकते, आपने लोगों की मदद की है और आपको जस नहीं मिला है। ना लगाते हुए अगर इंसानियत के तौर पर सोचेंगे समझेंगे तो शायद उनको इस बात का अंदाजा लगेगा कि आज तक जितने भी लोग हैं, जितने बड़े सितारे हैं, मेरे जुड़ने के बाद उन उनकी क्या जगह रही है, ये शायद हर लोग जानता है, पर इस चीज को हर कोई नकार देता है, ये अलग बात है, समय गुजर जाता है तो होता है ऐसा, लेकिन मैंने हर बिल्कुल किसी की मदद की है एक समय गुजर जाने के बाद, या सीढ़ी सीढ़ी मुझे बना लेने के बाद हर कोई पलट गए हैं। रितेश पांडे की धज्जियां उड़ा दी अक्षरा सिंह। जी हाँ, आपने सही सुना कि रितेश पांडे की धज्जियां उड़ा दी अक्षरा सिंह ने। आपने तो अक्षरा सिंह का लाइव चैट निशांत के साथ देखा ही होगा, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि इस लाइव चैट में इन दोनों ने कई मुद्दों पे बात की, जहां अक्षरा सिंह ने ये कहा कि अब वो पवन सिंह के साथ कभी काम नहीं करेंगी, तो दूसरी तरफ अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव और निरहुआ की तारीफ करती हुई नजर आई। और तो और, अक्षरा सिंह ने अपने माता पिता से भी लाइव चैट में माफ़ी मांगी। उनका ये कहना है कि उस वक्त मैंने अपनी माता पिता को जो थोड़ी भी तकलीफ दी उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तब उसी लाइव चैट में भाई नीलिमा सिंह ने मैसेज करते हुए, जो कि अक्षरा सिंह की मम्मी हैं, उन्होंने मैसेज करते हुए लिखा था कि पवन सिंह के साथ अक्षरा कतई काम नहीं करेंगे। खैर, ये बातें तो हम किसी और वीडियोस में बता देंगे आपको, लेकिन हम जब रितेश पे बातें करने वाले हैं तो हम रितेश पे ही करेंगे। रितेश का नाम लिए बगैर इस पूरे वीडियो चैट के अंत में, जब वीडियो चैट ख़त्म हो रहा था, तब अक्षरा सिंह ने रितेश पांडे का नाम लिए बगैर ये कहा कि मेरे हाथ में जस नहीं है, मैं किसी का भला करना चाहती हूँ तो भी मुझे उसका जस नहीं मिलता, मुझे ही सीढ़ी बनाकर लोग कितने ऊपर पहुँचे हैं लेकिन बाद में मुझसे ही दगा कर जाते हैं। ये सीधा इशारा रितेश पांडे की तरफ था। अगर आपको यकीन नहीं है तो लीजिए, सुन लीजिए कि वीडियो के अंत में, वीडियो समाप्त करते करते अक्षरा सिंह ने कितनी बड़ी बात कह दी। मुझे मुझे एक एक चीज का बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं वो कहते हैं ना कि हाथ में जस नहीं है। ये इशारा उन्होंने रितेश पांडे की तरफ किया था। समझने वाले समझदार हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं अक्षरा तो सुपरस्टार थी ही, लेकिन रितेश अपने कैरियर को बनाने में जुटे थे। उन्हें अगर भोजपुरी की किसी भी एक्ट्रेस का साथ मिल जाता तो वो टॉप लेवल पे पहुंच जाते, इस बात को वो बखूबी जानते थे। ऐसे में अक्षरा सिंह का साथ मिला और आज अक्षरा सिंह ने दबी जबान में ही सही, रितेश का नाम लिए बगैर ही सही, वो कहा जो सब सुनना चाहते थे, यानी कि अक्षरा के फैंस सुनना चाहते थे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।